guys, Assalamu alaikum, and after long time welcome back to my channel. Aur kaise ho aap? So aaj maine aap logo ke sath share kiya hai ye peachy glam makeup look. Guys, ye jo eye makeup hai na, itna zyada simple hai, at the same time jab aap isko create karoge to itna zyada khoobsurat lagega ki matlab char chand lag jayenge aapki eyes pe. Yes guys, and maine bahut hi kam products ka use kiya hai is look ko create karne mein, aur ye aapki peachy dress pe aur mostly sare dresses pe ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है. तो गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ रोमांटिक ब्यूटी की नेचुरल आईब्रो पैलेट. उसमें से ये लाइट ब्लैक शेड लेके उसी के साथ एक ब्रश आता है, उसकी हेल्प से ही मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी और नेचुरल शेप में ही फिल करूँगी, ओवर ड्रॉ नहीं करूँगी. उससे क्या होता है ना, फिर फेक लगने लगती है, इसलिए नेचुरल लगेगी, बहुत बढ़िया लगेगी. उसके बाद उसी के साथ पीछे स्पूली दिया होता है, उसकी हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी हार्शनेस ना लगे. देन मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर जो मेरा समाप्त हो चुका है, और इसको मैं अपनी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ एंड अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, जो भी उसके एजेस हैं इस तरीके से. देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी. अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आपको, जितना आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना ही बढ़िया लगेगा. और हमारा आई बेस रेडी है, और इसको हम सेट करेंगे लैक्मे के सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट की हेल्प से. इससे हमारा कंसीलर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है. इसके अंदर SPF 40 है जो हमारा सनस्क्रीन का भी वर्क करता है. देन मैं सेफार की बेबी गॉट पीच पैलेट ले रही हूँ, वन ऑफ द बेस्ट पैलेट है गाइज ये. उसमें से ये लाइट पीच शेड लेके अपने क्रीज पर अप्लाई करूँगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से, और हल्के हल्के हाथों से मैं थोड़ा थोड़ा कलर लेके अप्लाई कर रही हूँ. और बहुत ही हल्का सा आई मेकअप है, ज़्यादा हैवी नहीं होगा, तो हल्का सा ही कलर अप्लाई करना है और साथ ही साथ अच्छे से इसको ब्लेंड भी करना है. देन मैं उसी आईब्रो पैलेट में से ये लाइट ब्लैक शेड लेके अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी, और आपको बाहर की तरफ अप्लाई नहीं करना है, अंदर की साइड इसको अप्लाई करना है, वी नहीं बनाना है. देन जो भी प्रोडक्ट बचा होगा उसको हम अपनी क्रीज पर भी अप्लाई करेंगे ताकि एक कट क्रीज वाला हल्का सा इफेक्ट मिल जाए हमें. उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये वाला शेड, ऑरेंजी पीची सा शिमरी शेड है, और फिंगर की हेल्प से मैं इसको अपनी हाफ आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी. एंड गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, सॉफ्ट है, इजीली अप्लाई हो रहा है. देन मैं सेम ब्रश की हेल्प से इसके एजेस को ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्शनेस ना लगे. जितना ज़्यादा आप अपने आई मेकअप को ब्लेंड करोगे ना, उतना ही फ्लॉलेस आई मेकअप आपको मिलेगा. सो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम पैलेट में से ये होलोग्राफिक ग्लिटर है, उसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही हाफ आईलिड पे हल्का हल्का सा अप्लाई करूंगी प्रेस करते हुए इस तरीके से, और ये बहुत अच्छे से स्टिक भी हो रहे थे. एंड ये बहुत पिगमेंटेड है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये. उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ यनकीना का स्केच पेन आईलाइनर, और इसकी हेल्प से मैं अपने लैशेस के बैंड को हाइड करूंगी, सिंपली कोई भी विंग नहीं बनाऊंगी एंड इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूंगी. ये भी बहुत अफोर्डेबल में बढ़िया वाला लाइनर है, आप ट्राई कर सकते हो. उसके बाद वेट वाइप की हेल्प से मैं अपने फेस को क्लीन कर दूंगी जो भी फॉल आउट हुआ था ग्लिटर्स का. देन अच्छे से क्लीन हो जाएगा हमारा फेस बेस बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए. उसके बाद मैंने बायोटिक का यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लिया है, बहुत अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए स्पेशली, बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. सो ड्राई स्किन वाले इसको ज़रूर ट्राई करें. उसके बाद मैंने NYB का ब्राइटनिंग प्राइमर लिया है, ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बहुत सॉफ्ट कर देता है स्किन को और हल्का सा ग्लो भी प्रोवाइड करता है, और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, अफोर्डेबल भी है. उसके बाद मैंने एले गर्ल का कलर करेक्टर लिया है मैंने ऑरेंज, और इसको मैंने अपने अंडर आइज पे और जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है स्पॉट्स है वहाँ अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है. उसके बाद मैंने लैक्मे का लिक्विड फाउंडेशन लिया है, मेरा शेड है इसमें मार्बल, और इसको मैं अपने हैंड पर लेके फिंगर की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करूंगी एंड नेक को कभी भी स्किप ना करें. देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है, और डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड करोगे ना ऐसा लगेगा जैसे आपकी ही स्किन है बट बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, जैसे वो लैक्मे सीसी क्रीम का ऐड आता है आपकी स्किन पर बेहतर. पता नहीं कैसा भूल गई मैं. देन अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे. उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई किया है जो मैंने बताया था समाप्त हो चुका है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है,
और बहुत अच्छे से डार्क सर्कल्स को हाइड करता है, पिगमेंटेशन को हाइड करता है, कवरेज अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं जल्दी से इसको दोबारा से बाय करने वाली हूँ। देन मैं सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने फेस को डैबिंग मोशन में सेट कर रही हूँ। डैबिंग मोशन में सेट करेंगे ना तो बेस जहाँ था वहीं पे अच्छे से लॉक हो जाएगा, और इसके अंदर है SPF 40 जो हमारे सनस्क्रीन का भी वर्क करेगा, इसलिए मैंने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं की। ब्लू हेवन का काजल अप्लाई कर रही हूँ। देन स्मज ब्रश की हेल्प से इसको स्मज कर दूंगी, और हल्का सा ब्राउन शेड भी मैंने इसमें अप्लाई किया था। देन मैंने मार्स का यहाँ पे फैब्यूलैश मस्कारा लिया है, और ये वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा है और मेरा फेवरेट है। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी अपर एंड लोअर लैशेस पे, बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है, लेंथिंग देता है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद सेम पैलेट में से मैंने लाइट एंड डार्क ब्राउन शेड को मिक्स करके अपने फेस को कॉन्टोर किया है। तो मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, मिनिमम प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है ताकि बिगिनर्स को इजी हो। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी की प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट ली है, उसमें से पीची शेड लिया है क्योंकि पीची ड्रेस है, पीची मेकअप है, तो पीची ब्लश तो बनता है ना। तो बहुत ही बढ़िया ब्लश है, आपको स्माइल करते हुए अप्लाई करना है, स्माइल करते हुए अप्लाई करो, जहाँ लगना है वहाँ लग जाएगा। देन मैंने सेम पैलेट में से हाईलाइटर लिया है, शैम्पेन गोल्ड कलर का हाईलाइटर है गाइस, बहुत सुंदर है, देख रहे हो ग्लो, हेल्दी ग्लो देता है, चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत अच्छा है। बस समझ आओ मैं क्या कहना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है गाइज, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे डियर डार्लिंग की लिप ग्लॉस ली है, ये प्रॉपर मैट लिपस्टिक है, मेरा फेवरेट शेड है ये आपको 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ में मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। शेड तो बहुत अच्छा है गाइज और बहुत लॉन्ग लास्ट करती है। स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर की हेल्प से अपने मेकअप को फिक्स कर रही हूँ, और ये भी बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है गाइज। सो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। सो या गाइस, ये था मेरा आज का पीची सा ग्लैम मेकअप लुक। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।